अन्य शहरों अन्य राज्यों की बात कर ले तो विकास की बुलंदी छू रही है, लेकिन हमारा बिहार बाढ़ में बुलंदी जरूर छू लेगा आने वाले समय में। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हैं, उनका यही विकास हो रहा है। लगातार सीओ के कहते रहते हैं, सीओ कहता है कि अभी कोई आदेश नहीं आया है ऊपर से जिला, मतलब इतना पानी हो गया है लेकिन आदेश नहीं आया, जिला से कोई आदेश नहीं आया, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। कैसे देखिए, घरों में पानी घुसा हुआ है, जितने भी घर है ये झोपड़ी का घर है, यही है मोदी जी का पीएम आवास योजना, जिसमें पानी जो है घुस चुका है और लोग जो है छोटे छोटे बच्चे जो है इसी पानी में रह रहे हैं। क्या लगता है बिहार को कभी मुक्ति मिलेगी बाढ़ से? बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? सरकार निकम्मा है, सरकार का कोई ख्याल ही नहीं। सरकार आप ही लोग ने चुनते हैं। बिहार के मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही घोषित नहीं किए हैं। अभी तक बिहार के कई जिला में इसका असर है और सब लोग त्राहिमाम हैं, आप लोग दिखा रहे हैं लगातार मीडिया बंधु, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बिहार सरकार मौन है। पांचों पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है, लोग उसी पानी में हैं, उसी पानी में रहने के लिए विवश हैं। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन कहाँ जाएंगे लोग को, बेचारा के यही रहना जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सोचना चाहिए बिहार के जो मुखिया हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका गृह क्षेत्र बख्तियारपुर है, इसके बावजूद वो उनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसके उनका पढ़ाई लिखाई बख्तियारपुर में हुआ है, इसके बावजूद भी बख्तियारपुर विधानसभा का बद से बदतर स्थिति है, लेकिन इस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और बाढ़ से बिहार बदहाल है, यही है बिहार की हकीकत। सुशासन बाबू के सरकार में बिहार का आधा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है और पानी का स्तर जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूं तो बड़े बड़े दावे करते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन बिहार के इस बड़े हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हर साल हजारों हजार लोग, हजारों हजार तो कम कह दिए, करोड़ों लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जान माल की क्षति होती है, खेती में नुकसान होता है वो अलग, और तो और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि कई सारे लोग जो है पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, कई सारी लोगों की मौतें हो जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं है जनाब। पिछले कई वर्षों से मानो बिहार के लिए बाढ़ एक श्राप बन चुका है जो बिहार का पीछा छोड़ता ही नहीं है, छोड़ेगा भी कैसे, क्योंकि मौजूदा जो सरकार होती है वो अपने आप में मग्न होती है, उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि बिहार को बाढ़ से कैसे बचाया जाए। अन्य शहरों अन्य राज्यों की बात कर ले तो विकास की बुलंदी छू रही है, लेकिन हमारा बिहार बाढ़ में बुलंदी जरूर छू लेगा आने वाले समय में। ये मौजूदा हालात है बिहार का, जरा सा एक बार नजारा पीछे दिखा दीजिए कि कैसे देखिए, घरों में पानी घुसा हुआ है, जितने भी घर है ये झोपड़ी का घर है, यही है मोदी जी का पीएम आवास योजना, जिसमें पानी जो है घुस चुका है और लोग जो है छोटे छोटे बच्चे जो है इसी पानी में रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि हमने देखा कि 80 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी लोग भी इस पानी में डूब रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने पूछने वाला कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने पूछने वाला कोई नहीं है तो हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं, तो विपक्ष दल के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं राहत सामग्री लोगों को वितरण करने के लिए, लोगों को कुछ हद तक मदद पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। पिछले 7 दिन से बिहार के कई जिलों में पानी है, जल जमाव है, बाढ़ आ चुका है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। दूर दूर तक आपको एक भी स्टीमर नहीं दिख रहा होगा, अगर गलती से अगर यहाँ लोग डूब गए तो उसकी लाश भी मिलेगी कि नहीं, इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये मौजूदा हालात है। सेफ्टी किट तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल सहायता तो बहुत दूर की बात है, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ पा रही है, ये मौजूदा हालात है। तमाम जो नेता हैं अभी जो है इस क्षेत्र में घूम रहे थे और घूमकर लोगों को सामान वितरण कर रहे थे, क्या लगा कितने लोग भूख से परेशान दिखे आपको? पूरा समझिए कि दियारा पूरा पांचों पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है, लोग उसी पानी में हैं, उसी पानी में रहने के लिए विवश हैं, हाँ, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन कहाँ जाएंगे लोग को, बेचारा के यही रहना जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो वाली परिस्थिति, हाँ वो वाली परिस्थिति। सरकार को ये क्यों नहीं दिखता, जो सरकार कहती है कि हम बिहार का रक्षा चाहते हैं, बिहार को हम आगे ले जाना चाहते हैं, क्या विकसित बिहार की यही परिकल्पना है? आप देख सकते हैं ये पूरा, मतलब विजुअल के माध्यम से आप दिखाइए माध्यम से कि पूरा यही बाढ़ बिहार में विकास है, विकास है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हैं, उनका यही विकास हो रहा है पूरा। आरोप आप
लोग पर भी लगेगा, आपकी भी सरकार बिहार में 15 साल रही, तब आप लोगों ने कोई पहल क्यों नहीं की? ठीक, नई पहल किए तब विपक्ष में हम लोग है ना भाई, विपक्ष में तो है, विपक्ष में इसीलिए ना हम लोग, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में आए तो आप काम करिए, तो 20 वर्षों से तो लगातार वही है, तो वही है, तो उनको तो देखना चाहिए कि हाँ भाई हम इतना दिन से हैं, तो ये बाढ़ का तो आज नया नहीं है कि आज बाढ़ आ गया, ये तो समझिए सालों साल से है, बाढ़ बिहार का नियति बन चुका है, सरकार इस पर हर एक साल बड़े बड़े दावा करते हैं लेकिन सब दावा फेल हो जाता है, दावा फेल होता है। बाकी देखिए ये मुखिया जी हैं, पूरा भींग गए हैं पानी वानी में, क्या कुछ लेके गए थे अपनी जनता के लिए? ये सब पसेना से भींगा हुआ है, पानी में भींगे नहीं है। अच्छा। जो अभी हम लोग लाए 1000 पैकेट चूड़ा वो हम लोग बांट दिए, और 1000 पैकेट से नहीं, यहाँ 20,000 का पॉपुलेशन है, 20,000 की आबादी है, 1000 कम पड़ रहा है। हाँ। ये जो लेके आए थे सामान, ये लोग आप लोग अपने तरफ से लाए थे कि कहीं से फंडिंग वंडिंग? नहीं, नहीं, अपने तरफ से लाए हैं, कोई सरकार की तरफ से नहीं लाया है, कोई नहीं दिया सरकार, तो यहाँ कोई नहीं कुछ नहीं है, न पोलोथीन दिया है लोग, मैंने ऐसा ही धूपा में छत पर करकट पर रह रही है, रह के अपना समय ऐसी गुजारा है, पानी पीने के लिए भी नहीं, नल जो कल था वो सब कल पानी में डूब गया। वही पानी पीते होंगे ये, वही गंगा जी को जो पानी है वही लोग पानी पीता है, और सरकार कहाँ कुछ ध्यान दे रहा है, यहाँ हम लोग जाके लगातार सीओ के कहते रहते हैं, सीओ कहता है कि अभी कोई आदेश नहीं आया है, ऊपर से जिला इतना पानी हो गया है लेकिन आदेश नहीं आया, जिला से कोई आदेश नहीं आया, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। चलिए युवा है कुछ यहाँ पे, युवाओं से जानना चाहेंगे क्या लगता है बिहार को कभी मुक्ति मिलेगी बाढ़ से? बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? सरकार निकम्मा है, सरकार का कोई ख्याल नहीं है। सरकार आप ही लोग ने चुनते हैं? सरकार हम लोग कैसे चुनते हैं, मान लेते सबके सहयोग से चुना जाता है ना, उसमें जो सरकार एकदम फेलुअर है, लोग तो आप तो देख ही लिए, ग्राउंड रिपोर्ट किए तो सब आपको तो जानकारी हो ही गया है, सब कुछ देख करके कितना अस्त व्यस्त है, लोग कितना परेशान है, खाने के लिए मोहताज है, रहने के लिए, मतलब की किसी प्रकार का कोई मदद नहीं। और हमारे जो युवा के नेता हुए राजेश भैया इन बख्तियारपुर विधानसभा, तो इनके सहयोग के द्वारा जो आप यहाँ पे वितरण किया गया वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए जी। तो क्या चाहता है युवा, बिहार में क्या होना चाहिए? जो बिहार में जब तक पानी जो दाहर हर साल आती है, इसके बावजूद भी दाहर से पहले जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करेगी, रोकथाम नहीं करेगी इसका, तो ये तो हमेशा आते रहेगा। आज अभी तक बिहार के मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही घोषित नहीं किए हैं, अभी तक बिहार के कई जिला में इसका असर है, और सब लोग त्राहिमाम हैं, आप लोग दिखा रहे हैं लगातार मीडिया बंधु, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बिहार सरकार मौन है, यहाँ तक के पटना डीएम उनका भी कुछ अब अता पता नहीं है, सीओ ब्लॉक में हम लोग सीओ साहब को फोन कर रहे हैं, वीडियो साहब को कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाए जब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पशु का चारा के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, तो यह सोचना चाहिए बिहार के जो मुखिया हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका गृह क्षेत्र बख्तियारपुर है, इसके बावजूद वो उनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसके उनका पढ़ाई लिखाई बख्तियारपुर में हुआ है, इसके बावजूद भी बख्तियारपुर विधानसभा का बद से बदतर स्थिति है, लेकिन इस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ये मुद्दा जो देख रहे हैं, जो बार में लोग तराहिमाम कर रहे हैं, इनको जो भी व्यवस्था हो सरकार के तरफ से जल्द कराया जाए, हर संभव मदद सरकार करे, क्योंकि आप लोग अपने वीडियो में दिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई चैनल पर दिखाया जा रहा है कि बाढ़ से लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के जो मुखिया हैं हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है, जितने भी हमारे मीडिया के सहयोगी हैं, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने चैनल से इस न्यूज को दिखाएं, ताकि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को यह समझ में आए कि लोग बहुत परेशान हैं, और हर संभव मदद सरकार अपने स्तर से करे। आज हम लोग बख्तियारपुर विधानसभा के दियारा बेल्ट में आए थे, युवा नेता राजेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निजी कोष से सहयोग किया गया है, जो भी राहत सामग्री बन पड़ा वो बड़े भैया के द्वारा किया गया। चलिए, तो राजेश जो है, राजेश यादव है जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, राजेश यादव और यहाँ के तमाम जो कार्यकर्ता है मुखिया वगैरह के सहयोग से
लोगों में कुछ हद देर तक राहत सामग्री वितरण किया गया, हालांकि वो सफिशियंट नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके कुछ लोगों की सहायता ही सही। तो एक बार फिर से देख लीजिए जनाब, ये जो है ये बिहार का कोई सुदूर इलाका नहीं है, ये बिहार का पटना है। ये वही पटना है जो बिहार की राजधानी, और पटना का ये हाल है तो तमाम जिलों का क्या हाल होगा ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तमाम चैनल पर खबर चल रहा है, लेकिन अब तक सरकार के कानों जू नहीं रहा है। सरकार ने अब तक बाढ़ क्षेत्र भी घोषित नहीं किया है, लेकिन जनता की बदहाली आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस बाढ़ रूपी शराब से बिहार को कब निजात मिलेगा ये हमें तो नहीं पता, लेकिन बिहार सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करे, और बिहार सरकार को बाढ़ से निजात देने के लिए बहुत कोई बड़ी पहल करे, अन्यथा लोग हर साल इसी तरह परेशान होते रहेंगे और बिहार का कभी उत्थान नहीं हो पाएगा।